जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर तारागढ़ दुर्ग बीठली पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगाने की मांग। जनाना अस्पताल का नाम भी महारानी संयोगिता महिला चिकित्सालय रखने के लिए सौंपा ज्ञापन। अजमेर शहर के जागरूक युवाओं द्वारा गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर में तारागढ़ स्थित गढ़ बीठली दुर्ग पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति स्थापित करने की मांग के साथ ही जनाना अस्पताल का नाम भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की धर्मपत्नी महारानी संयोगिता के नाम पर महारानी संयोगिता महिला चिकित्सालय रखने की मांग की गई। ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक नागरिक व्यापार्षद कुंदन वैष्णव ने बताया कि अजमेर शहर की पहचान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी के रूप में है और उनका किला तारागढ़ भी यहाँ मौजूद है, लेकिन तारागढ़ स्थित गढ़ बीठली दुर्ग पर आज तक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति नहीं लगी है, जिसे जिला प्रशासन के सौजन्य से लगवाने की मांग की गई। वर्षों पूर्व तत्कालीन एडी अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत के द्वारा दुर्ग के नीचे पहाड़ी पर स्मारक जरूर बनाया गया, जहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा भी लगी हुई है, लेकिन इस प्रतिमा को वहां नहीं दुर्ग बीठली तारागढ़ दुर्ग पर होना चाहिए था। साथ ही अजमेर में स्थित जनाना अस्पताल का नाम भी महारानी संयुक्ता महिला चिकित्सालय रखा जाए, ऐसी मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में कुंदन वैष्णव, दिनेश खंडेलवाल, कल्याण गुर्जर, चंद्रप्रकाश, सुनील शर्मा आदि मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पर आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पर, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हम शहर के कुछ युवा, कुछ सजग नागरिक आज ज़्यादा तादाद में आने थे, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन और नियम को ध्यान रखते हुए हम 5 भाई, 5 मित्र, श्रीमान दिनेश जी खंडेलवाल, कल्याण जी गुजर, चंद्रप्रकाश जी टिकलानी जी, सुनील जी शर्मा और दिनेश जी खंडेलवाल भाई साहब हैं ही साथ में, दलजीत जी भाई साहब, हम आए हैं महोदय, जिलाधीश महोदय से मिलने। विषय ये लेके आए कि हमारा शहर पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी के नाम से जाना जाता है, और ये एक विडंबना ही कहेंगे, ये खेद है हम सबको, पूरे शहरवासियों को खेद है कि जो दुर्ग स्थापित है गढ़ बीठली पे, जो पृथ्वीराज चौहान जी का दुर्ग है, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति नहीं है। जिलाधीश महोदय को हमने एक लिखित तौर पे पेपर और ज्ञापन दिया है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति जो ऊपर पहाड़ी पे, चोटी पे स्थापित होनी चाहिए, कुछ वर्ष पूर्व ओंकार जी लखावत ने एक पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति नीचे स्थापित करी, लेकिन वो नीचे नहीं होनी थी, वो होनी थी चोटी पे, क्योंकि दुर्ग है चोटी पे। और अभी दूसरे अगर लोग जाते हैं, कुछ वहाँ पर समस्याएँ आती है, वहाँ पर कई तरह के नशे के कारोबार होते हैं, ऐसी शिकायतें भी मिली है, तो वो शिकायत भी हम वहाँ पे, या नशे का सेवन होता है ऐसे लोग वहाँ पे रहते हैं, या कोई बाहर के रोहिंग्या या बांग्लादेशी रहते हैं, अगर इस तरह के लोग हो तो जिलाधीश महोदय कार्रवाई करे और वहाँ पे ऐसा अमन चैन हो कि वहाँ कोई भी समाज का, कोई भी धर्म का, पारिवारिक व्यक्ति परिवार के सहित वहाँ जा सके, ऐसा एक तो ये विषय लेके आए। दूसरा विषय जिसका नाम आज तक किसी नाम से नहीं रखा गया है, तो हमने ये ज्ञापन भी कलेक्टर साहब को दिया है कि जनाना अस्पताल का नाम महारानी संयोगिता पृथ्वीराज, जो पृथ्वीराज चौहान जी की पत्नी के नाम से जाना जाता है, संयोगिता जी, महारानी संयोगिता महिला चिकित्सालय नाम से जनाना अस्पताल का नाम रखा जाए, ये दोनों ज्ञापन आज दिए हैं। अब आगे जो प्रक्रिया आगे होगी, वो जैसे हमें कलेक्टर साहब आदेश करेंगे, फिर आगे नई नीति बना के उस पर कार्य करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, यहाँ पर जो महिला चिकित्सालय है उसको आज भी जनाना अस्पताल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान की नगरी है, और हम ये चाहते हैं कि हमने यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि उस जनाना अस्पताल का नाम जो है वो महारानी संयोगिता महिला चिकित्सालय के नाम पे रखा जाए, ताकि जो पृथ्वीराज चौहान की नगरी है, जो उनकी महारानी थी, उनको भी एक यथास्थान मिले, और एक चिकित्सालय का नाम भी एक यथास्थान जो भारत, जो अजमेर को इंगित करता है, वो संस्कृति के अनुरूप हो, तो हम सभी शहरवासियों को उसके लिए अच्छा महसूस होगा। और हमने अभी कलेक्टर साहब को ये कहा, कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम इसके बारे में जो भी कार्रवाई होती है वो करेंगे।